तो ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप? आई एम बैक। तो भाई आज के मैचेस ना इंटेंस होने वाले हैं, लेकिन उनमें से एक मैच ऐसा है जिसमें मेरे साथ इतनी लोल मोमेंट होती है ना, एक तरह से सैड एंडिंग, और एक मैच ऐसा है जहां पे मैं पूरा नॉक हो जाता हूँ। लेकिन भाई किस्मत अच्छी होती है तो मैं उठ के जो है देखना आप कैसे जो है मैं उस मैच में खेलूंगा। बाकी भाई आप हमारा रैंक स्कोर देख सकते हो, 9250 के आसपास हो चुका है, वो भी स्नूब आईडी में। बाकी आज ना आपको अल्ट्रा वे गेम प्ले दिखेगा गेम की रिकॉर्डिंग से, तो मेरे को ना कमेंट करके जरूर बताना है यार कि कैसी क्वालिटी आ रही है, प्लीज एक बार जरूर बताना वीडियो देखने के बाद। बाकी भाई इस आईडी को जो है हम सीजन के एंड में ग्रैंड मास्टर लगा के अपने किसी सब्सक्राइबर भाई को देंगे, तो थोड़ा सा भाई सपोर्ट दिखा देना। तो सीधा जो है भाई मैच की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट मैच की बात करें तो यहाँ पे ना मैं ड्रॉप लूट रहा था और एकदम से ना एक बंदे की आवाज आती है, और ये देखो भाई मतलब लूटने में इतना ज्यादा ध्यान था ना इसका, इसको मैं कितना इजी पीजी मार देता हूँ। मतलब ये गलती कभी मत करना यार कि लूटने में इतना खो जाओ कि पता ही ना चले आसपास क्या हो रहा है। और लेफ्ट में भी एक मेरे को बंदा दिखता है, तो मैं इसको जो है अच्छा खासा तो नहीं बट थोड़ा सा ही डैमेज कर पाता हूँ। और यहाँ से देखता हूँ तो यार जोन तो यहाँ से कवर ही था, तो यहाँ से तो नहीं आएगा ये तो। अरे यार ये कौन मार रहा है राइट में? एक तो थर्ड पार्टी छोड़ो, होमर भी लगा दिया भाई, कौन नहीं है तो यही था। और इसको भाई हेड तो मारा है मैंने थोड़ा सा, तो चलते हैं। और अभी भी हमारे अलावा जो है तीन बंदे बचे हैं, और यहाँ पर ना मैं इस पर नेट कुक करके डाल देता हूँ जिससे डैमेज तो आ ही जाता है भाई, तो मैं जो है इसकी तरफ बढ़ जाता हूँ। और अरे यार एक तो यहाँ से भी इसने पैक कर लिया, तो देखते हैं। और ऊपर से मैं जो इस पे नेट फेंक देता हूँ इसकी, मतलब ये जो पैक कर रखा है इसने, और डैमेज आ जाता है भाई इसको, लेकिन मरता तो नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी पास में फटके भी भाई 200-250 के डैमेज नहीं आते आजकल नेट से। और एक और डालता हूँ और इससे डैमेज देखो भाई, मतलब भाई नेट का तो आजकल डैमेज ही नहीं आता। और मैं मतलब इस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो एक नेट पता नहीं मेरा काम भारी चला गया। और एक बंदा जो था भाई वो लास्ट का, वो भी जो है यहाँ पे आ जाता है, तो मैं जो है उसकी तरफ थोड़ा बढ़ता हूँ राइट साइड से, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे जो है मैं जैसे याद हो भाई इसको जो है कोशिश तो करता हूँ, लेकिन इस पर थी ट्रोकोन और ओरियन लगा के भाई इसने देखो क्या ही तगड़े वाला डैमेज कर दिया था। तो मैंने जो फटाफट से पहले पैक कर लिया, तो पहले तो भाई अपनी हेल्थ पूरी कर लेते हैं और देखते हैं यार। एक तो ट्रोकोन ना मतलब बहुत खतरनाक गन जो है इन्होंने बना रखी है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से मैं निकलता हूँ भाई सीधा, तो देखते हैं। और यहाँ पे देखो मैं इसको जो है अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। और ये पता नहीं भाई मेरे पे कौन जो है नेट फेंके जा रहा था, ये तो चला ही जाता है बट पता नहीं कहाँ से नेट आ रहे थे। और थोड़ा सा जब मैं जो आगे की तरफ बढ़ता हूँ मेरे को पता चलता है इन दोनों में फाइट हो गई थी, वो ख़त्म भी हो चुकी थी। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ देखने भाई कहाँ पे है बंदा, तो यहाँ पे एकदम से ये बंदा दिखता है। और इसको देखो भाई क्या ही तगड़े वाला जो MP40 के साथ मैं हेडशॉट मार देता हूँ। और सोनिया होता है तो भाई उससे बचने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन किसी तरह इसको एंड में फिनिश करके बुया कर लेता हूँ। और नेक्स्ट अपडेट में जब सोनिया को गिरा देंगे ना भाई मज़ा आ जाएगा। तो इसी के साथ मेरी इसमें 33 की प्लस होती है, बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। अब इस मैच की बात करें तो मेरे इसमें जो है 6 किल है, और एक बंदा ना यहाँ से तब से इतने बंदों को मारे जा रहा था ना, तो मैं आ जाता हूँ और उछल कूद के जो है डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऊपर ही भाग जाता है। तो मैं जो है यहीं पे रहता हूँ थोड़ा, क्योंकि उसकी नायरी वाली वॉल थी तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। आगे एक बंदा था जिसको मैंने थोड़ा डैमेज किया था, और यहाँ पे मैंने वॉल लगा ली थी जिससे भाई एकदम से कोई बंदा ना थर्ड पार्टी करके सरप्राइज अटैक ना कर दे भाई। अब आगे वाले बंदे की तरफ ही जो है मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था, और पीछे भी मतलब मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था कि एकदम से कोई आ ना जाए, तो यहाँ पे मैं पीक ले रहा था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे। लेकिन देखो भाई सीधा ही M82V का शॉट भर दिया था इसने, तो मैं जो है पहले मेडी मार लेता हूँ। और देखते हैं भाई ध्यान से, अभी भी तीन बंदे बचे हैं, एक तो मेरे घर पे ही है और पता नहीं भाई कहाँ कहाँ बंदे हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं लॉन्चर एकदम परफेक्ट जगह पे डाल रहा था, बट पता नहीं भाई कहाँ फूटते हैं, मतलब डैमेज ही नहीं आता। और एक बंदे की वॉल पता नहीं यहाँ पे भी दिखती है, तो मैं जो है डैमेज करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नेट से तो डैमेज ही नहीं आता कुछ भी। तो थोड़ा सा रुकते हैं यार, और ऐसे ही आपको करना है यार, जब भी आप टॉप 10 में आ जाओ ना बिल्कुल एकदम होल्ड करके पेशेंस रख के जो है आपको ध्यान रखना है। और मैं इस तरफ इसलिए आता हूँ क्योंकि यार वहाँ पे बंदा था और घर में भी बंदा था और राइट साइड कोई बंदा नहीं था, तो ये सही रहता मेरे लिए। और यहाँ पे आगे की तरफ एक बंदा दिखता है, लेकिन पूरी गन जो है रिकॉयल हो जाती है।
और एक बंदा जो है ऊपर की तरफ था और उसको भाई वो M8 2B वाला जो है बंदा इतना परेशान करे जा रहा था ना तब से, तो शे मेरे ख्याल से नो की ना कर दिया इसलिए, क्योंकि उसने दिमित्री भी चला दिया था और एक बंदा पता नहीं उस दरवाजे से कैसे आ गया। तो देखते हैं और मैं इस पर जो है नेट फेंक देता हूँ और इससे इसको डैमेज आता है और एक बंदा मर भी चुका है, वो ऊपर वाला ही होगा ज़रूर। तो इसको इस पर जो है मैं एक और नेट फेंकता हूँ और उससे इस पर डैमेज नहीं आता, तो थोड़ा आगे की तरफ भी बढ़ते हैं और भाई स्नाइपर ही चले जा रही है तब से। तो मैं भी जो है इस पर नेट फेंकता हूँ क्योंकि इसी बंदे को जो है वो मार रहा है और ये बंदा पता नहीं मेरे पे रश कर देता है और मैं जो है इसको अच्छा खासा थोड़ा सा डैमेज करता हूँ बॉडी। इतने में पता चलता है उस बंदे ने इसको मार दिया, तो मैं इसकी तरफ बढ़ जाता हूँ और ये देखो भाई कूद के जो है इसको क्या ही MP40 का हेड पड़ जाता है। और मैं आपको ना प्रूफ के लिए जो है ना स्मूथ में मतलब जिसमें मैं खेलता हूँ तो थोड़ा सा वो क्लिप भी लगा लेता हूँ जिससे आपको पता चलता जाए। तो 31 की प्लस होती है भाई और मतलब यार अब जो है ना फ़ोन एकदम मस्त चल रहे हैं और एक बंदा जो है अभी डैमेज किया था मैंने और इसको देखो कितनी आसानी से मार देता हूँ यार, मतलब इसको पता ही नहीं चलता ये लोबी का इतना बढ़िया बंदा था ना, क्योंकि यार तात्सुया करेक्टर ही ऐसा है कि मतलब एकदम ना पता ही नहीं चलता कि क्या हो चुका है ये हमारे साथ। कभी कभार जो इतनी स्पीड में बंदे आते हैं कि पता ही नहीं चलता भाई ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, तो किसी को मतलब एकदम कंफ्यूज करना हो तो भाई तात्सुया सबसे बेस्ट करेक्टर है। और आगे भी बंदा था जिस पे मैंने क्या ही थोड़ा थोड़ा डैमेज दिया था क्योंकि भाई इस कार की एक तो स्किन नहीं है तो डैमेज ही इतना कुछ खास नहीं आता। और अभी भी जो है 3-4 बंदे बचे हैं तो ध्यान से तो करना ही पड़ेगा। और आगे की तरफ ही 2 बंदे थे भाई, मतलब 2-3 बंदे नीचे की तरफ ही है भाई, तो ध्यान से देखेंगे 1-2 किल आ जाए तो बढ़िया है। और भाई निकलो तो कोई, तो मैं जो है इसके ऊपर जो है लॉन्चर फेंकता हूँ इतने में भाई ये जो है उसको हेडशॉट मार देता हूँ। ओ ये देखो मैंने भाई किसी तरह किल चुरा लिया था लेकिन आगे से पता नहीं कहाँ से मेरे को इतना गंदा डैमेज पड़ा, तो चलो मैंने जो है ढंग से वॉल तो लगा ली थी बस, तो देखेंगे अब इसको। और यहाँ अब आ जा भाई तू रुक जा, तो यहाँ पे देखो क्या ही हेड पड़ जाता है भाई इसको मज़ेदार वाला। और मैं जो है इसकी तरफ थोड़ा रश कर देता हूँ और आखिरी का बंदा रह चुका ही है और इसने जो है अब क्रोनो भी इसका वेस्ट हो चुका है तो इस पर रश करेंगे। और यहाँ पे मेरे पे थी ट्रोगोन और मैं जो है लॉन्चर से डैमेज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था भाई मेरे साथ ना, पता नहीं मैं इसका ना एम नहीं बिठा पा रहा था, ये देखो मतलब नो का डैमेज आ रहा था और यहाँ पर भी मैं जो है एम नहीं बिठा पा रहा था और थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो मैं आगे आ जाता हूँ और स्कार को लेता हूँ और स्कार से हेडशॉट पड़ जाता है और जब डैमेज थी तो मैं इसको ट्रोगोन से 2 गोली भर के जो है ख़त्म कर देता हूँ। तो स्कार ने जो है मेरे को एंड में किसी तरह जिता दिया और स्मूथ अब जो है मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो भाई उसमें भी जो है अब थोड़ा अच्छा फ़ोन चल रहा है, तो ये चीज़ है। तो आप ज़रूर एक बार कमेंट में बताना, बाकी 29 की प्लस होती है 3 की स्ट्रीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। अब ऐसा नहीं है यार हर मैच जो है मैं जीतता ही हूँ, बहुत मैच जो है मैं हारता भी हूँ। एक तो एक देखो ये बंदा जो है मेरे को अभी डैमेज किया था और एक बंदा ना इस घर के अंदर था तो मैं जो है देख रहा था और पता नहीं कहाँ पर वो चला गया था, तो मैं जो है यहाँ से आया था और इतने में मेरे को पीछे से एक बंदा दिखता है जिसको मैं भाई पूरा सोनिया बना देता हूँ और ये देखो स्काईलाइट छोड़ देता है। मैं बचने की कोशिश करता हूँ लेकिन मर जाता हूँ यार, तो ये चीज़ है यार स्किल्स ना मतलब इतनी ज़्यादा आ चुकी है ना, एक से बचते दूसरी लग जाती है और ऐसे भी मतलब मर जाते हैं। अब इसमें कोई टिप तो मैं काम नहीं कर सकता था, थोड़ा मतलब बस परमानेंट कवर, बाकी तो भाई किस्मत जब ख़राब होती है तो कुछ होता ही नहीं है। तो एक बंदे को मैंने अभी अभी नेट से मारा था बहुत ही तगड़ा, मतलब पता नहीं चलता अनएक्सपेक्टेड नेट मारा था और ये मेरे को इमोट दिखाने लग जाता है यार नेट से मारा है यार, ये तो एक आइटम है ना फ्री फायर का, मतलब इमोट दिखाया जा रहा था भाई नाराज़ होने वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई हमें क्या। तो 2 बंदे अभी भी बचे हैं तो देखेंगे। और यहाँ पर जो है पहले अपनी जो है मेडी मार लेते हैं और यहाँ पे जो है मैं उस पर नेट फेंक देता हूँ और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ और 2 बंदे बचे हैं बस केवल, और किसी तरह जो है भैया निकालने की कोशिश करेंगे। और आगे भी एक ये बंदा आता है और भाई वो वाला बंदा नेट से ही मर गया भाई, कभी कभार लगता है यार क्या ही नेट मार देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर रश कर देता हूँ और 3 गोली में ख़त्म कर देता हूँ भाई ट्रोगोन की, और ट्रोगोन क्या ही खतरनाक गन है और इसे फिनिश करके भुया कर लेता हूँ, मतलब अलग ही लेवल गन है लेकिन अच्छा है। अपडेट में जो है इसको थोड़ा कम कर देंगे। और आज का ये पहला मैच था जिसमें मेरी 54 की प्लस होती है। और इस मैच की बात करें ना भाई देखो एक बंदा ना नीचे था जिसको देखो क्या ही तगड़े वाला हेड
मार देता हूँ। और ये वही वाला मैच है जिसमें मेरी जो है अभी सैड एंडिंग होने वाली है, और लोल मोमेंट सबसे बड़ा मैं कहूँगा। तो मैं आपको जो है थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ। बाकी देखो अब दो बंदे बचे केवल, ठीक है। तो अब मैं पूरा सर्वाइव कर रहा था, ये मैच ना बहुत एंड तक गया था। और ये दोनों में मैंने क्या कहा था, टॉप थ्री में आपको कोशिश करनी है कि उन दोनों की फाइट हो। तो देखो ये यहाँ पे आ चुकी थी, फिर भी मैं पूरा होल्ड करता हूँ। और यहाँ पे जब भी मतलब इन दोनों में फाइट होने लग जाती है, और मेरे को लगता है एक ने इसको मार ही दिया था, और मैंने इसको नॉक किया और मैंने इसको ख़त्म कर दिया और इमोट के लिए खड़ा हो गया। लेकिन बाद में पता चलता है यार एक बंदा बचा है और मैं एलिमिनेट तब तक। मतलब यार कभी कभार जो है इस तरह की हरकतें भी जो है हो जाती है। बट चलो कोई नहीं यार, अब इस मैच की बात करें तो यहाँ पे आगे की तरफ एक बंदा था जिस पे जो है मैं नेट बरसाया जा रहा था। और नेट यार बस मैं यूज़ कर लिया करता हूँ यार, मतलब अच्छी चीज़ है आप सबको पता है, और होती है। तो मतलब बीआर में ना बंदे नेट तक यूज़ नहीं करते कभी कभार, तो भाई काम की चीज़ है यार सबसे बढ़िया। और इसमें एक ये बंदा था ना जो भाई ये इस पूरी लॉबी में इतने बंदे मार रहा था ना, और अब देखना यार मैं इसकी क्या हालत करूँगा। मतलब बस आप देखना, अभी तो वैसे मेरे को बहुत डर लग रहा था, इसने मेरे पे नेड वेड मारे थे और मैं यहाँ छुपा पड़ा था। मतलब थोड़ा ना दिमाग लगा के जो है आपको खेलना ही पड़ता है, और कभी कभार जो है बीच में आपकी स्किल्स भी काम आती है। तो ये जो है भाई देखो कैसे पीक ले रहा है यार वन टिप मारने के लिए। तो थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे पीछे ही रहता हूँ, क्योंकि भाई डर तो मेरे को भी लग रहा था। तभी देखो मेरे तीन किल है, मैंने पूरा एकदम पेशेंस रख के आया था। और मैं जो इस पर ग्लू ब्रेकर डाल देता हूँ, इससे वैसे तो क्या ही डैमेज आता है, बस मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता था कि भाई मैं भी खेल रहा हूँ गेम में, क्योंकि मैं छुपा पड़ा था भाई तब से। ये देखो भाई मतलब इसने जो है मेरे पे होमर ही छोड़ दिया था, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और देखो इसने स्काइलर देखो कहाँ चला रहा है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या ही रश करे जा रहा था भाई ये बंदा, और यहाँ से जब करता है भाई एकदम मज़ेदार वाला जो है इसे हेडशॉट पड़ जाता है, और मज़ा आ जाता है भाई। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जो ये बंदा था, लेकिन क्या ही इसे MP40 से मारा, और 28 की प्लस हो जाती है इस मैच में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। अब ये वाला मैच देखना भाई, अब इस घर से मैं निकला था, यहाँ पे ना दो तीन बंदे थे, एक बंदा तो ये रहा और एक बंदा जो है भाई बाइक से कहीं से जा रहा था। तो मैं जो है थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, भाई बच गया बस मैं ना थोड़ा उससे, अभी देखना वरना मैं जो है उड़ ही जाता। और बट चलो कोई नहीं है, चला जाता है। और एक पीछे वाला बंदा जो है मेरे को थोड़ा सा जो है डैमेज कर रहा था, तो पहले मैं यहीं पर आ जाता हूँ। मेरे पे वेस्ट भी कोई ना ढंकी नहीं थी, मतलब तीन लेवल की थी, तो मैं 4 लेवल की ले लेता हूँ। इतने में ये मेरे पे क्यों गंदी वाली ट्रोगन चला देता है यार, ये वाली गन ना सही में अपग्रेड। ये देखो राइट साइड से मेरे को एकदम से भाई क्या ही डैमेज पड़ जाता है, मैं क्या ही करता। वो तो अच्छा ही ये बंदा भी ना आ रहा था, लेकिन वो बंदे ने रोक दिया और मैं किसी तरह जो है ये इंजेक्शन ही होता है ना, तो इसको लगा के उठ पाया हूँ। और आप उस बंदे को देखेंगे भाई किसी तरह मारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉप के पीछे था और पता नहीं क्या कर रहा है ये बैठे बैठे। तो मैं जब नेट कुक कर रहा था तो ये भी नेट कुक करने लग गया। मैं वॉल खल के जो है यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। और यहाँ पे ना यार सिचुएशन मेरे को ना अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैं ये लॉन्चर लगा के भाग गया। और लॉन्चर लगाते वक्त थोड़ा सा डैमेज पड़ता है और मैं देखो जून के बाहर ही गिर जाता हूँ। वो तो अच्छा है मैं थोड़ा सा कमी बाहर गिरता हूँ, वरना तो भाई पता चलता भाई ख़त्म, जून के बाहर ही ख़त्म मैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आखिरी के उसमें ना अभी देखना कितना बढ़िया जो है आगे वाले को मैंने डैमेज दिया है। और आखिरी के इसमें इस वाले मैच में ना आपको पता चलेगा यार पेशेंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। अब देखना 4 बंदे अभी भी बचे हैं, और अब जो है आगे की तरफ भी एक बंदा था, मैं नेट फेंकता हूँ लेकिन वॉल लगा लेता है तो वो फूटता नहीं है। और मैं अब देखना पूरा होल्ड करूँगा इस मैच को, मेरे को किसी तरह भी जो है भुया निकालना था। और एक बंदा जो है आगे की तरफ भी था, मतलब लेफ्ट साइड में जो है 2 बंदे थे, तो एक बंदा पता नहीं कौन सा वाला मरा है। और यहाँ पे मैं नेट फेंक देता हूँ और नेट से डैमेज तो नहीं आता, फिर से नेट फेंकता हूँ और इससे भी जो है डैमेज नहीं आता, और फिर से फेंकता हूँ इससे आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई एकदम समझ के जो है रश करना है। और यहाँ पे मुझे लगा कि रश कर देना चाहिए, और एक बंदे का तो मैंने कितना ईजी पीजी मार दिया। और एक बंदा तो इसके अंदर पैक है और एक बंदा आगे की तरफ है, तो यहाँ पे मैं पूरा होल्ड करता हूँ। और जो आगे वाला बंदा था ना वो जो इसको डैमेज करे जा रहा था, इतने में मैं जो उसको डैमेज कर देता हूँ। अब वो वाला तो बंदा जो है मार ही देता है ये, और डैमेज था तो मैं इसके ऊपर जो है रश कर देता हूँ भाई। और यहाँ से देखता हूँ तो भाई ये जो है वॉल लगा लेता है पहले, और जैसे ही निकलता है बहुत ही तगड़े जो है हेडशॉट के साथ मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ मेरा ये मैच भी जो है भुया हो जाता है।
और इस मैच में मेरी होती है 30 की प्लस और 2 की स्ट्रीक। तो आज की इस वीडियो में इतने गाइस, वीडियो कैसी लगी बताना। और ऐसा नहीं है भाई, सही में मैं भी बहुत मैचेस कभी कभार हार जाता हूँ और मैं दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। और भाई अभी जो है अल्ट्रा का ये मतलब गेम की रिकॉर्डिंग है ना, तो स्मूथ में मैं जो है वापस आ चुका हूँ, क्योंकि यार स्मूथ तो आपको पता ही है यार, गेम प्ले शुरू से मैं खेलता आ रहा हूँ तो उसमें मज़ा आता है खेलने में। तो फ़ोन भी इतना जो है मतलब फ़ोन अच्छा ही चल रहा है, तो तभी जो है मैं अपनी फेवरेट MP40 भी चला पा रहा हूँ। तो आप ज़रूर बताना यार कमेंट में, क्या ये सही लग रहा है, गेम की रिकॉर्डिंग अच्छी लग रही है, तो एक बार ज़रूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में इतने गाइस, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ सजेशन, इम्प्रूवमेंट, कुछ भी टिप भी मेरे को देनी हो ना आपकी, भाई ये तेरा पार्ट अच्छा नहीं लगा, इस तरह कुछ कर, तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में नई वीडियो के साथ। बाय गाइस, पीस आउट।